नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं और समय समय पर हम आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और इस समय जो है सरसों जो है बहुत प्रचलित हो जाती है। मनुष्य या पशु उनको जो है सरसों खिलाई जाती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो है ताज़ी सरसों पड़ी है और ये कच्ची सरसों है। इसका एक अलग महत्व है पशु को खिलाने का, और जो पकी हुई सरसों होती है उसका एक अलग महत्व हो जाता है। तो यदि आपका पशु जो है सर्दियों में कई बार जो है उसकी सर्दी ऐसी मानने लगता है वो कि उसके रुएँ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और पशु जो है सर्दी मान जाता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि आप जब इस तरह से जो है आप देखेंगे अपने किसी भी पशु को, जो आपका दुधारू पशु है या वैसा पशु है, तो आप जो है अगर इस तरह से जो है हरी सरसों उसको खिलाते हैं तो आपका जो है कई प्रकार का जो है खर्च बच जाता है और पशु जो है सर्दी से दूर रहता है और कई प्रकार के जो मिनरल्स उसको चाहिए होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये हरी सरसों जो है, अगर ये अगर मैं अपनी गायों को खिलाता हूँ तो ये बड़े ही आराम से इसको खा लेते हैं, आप देख सकते हैं। और इससे एक तो इनकी पाचन क्रिया जो है अच्छी रहती है, दूसरा जो है कब्ज़ की शिकायत आपके पशु को नहीं होगी। बस थोड़ी सी एक जो है दिक्कत हो सकती है कि आपका जो पशु है उसका जो फैट है दूध का वो जो है थोड़ा कम हो सकता है कि, लेकिन सरसों खिलाने के फ़ायदे आपको बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पशु को कब्ज़ नहीं होगा और पेट की जो समस्या है वो ठीक रहेगी, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं यदि आप सरसों को डालते हैं हरे चारे में तो आपको अपने पशु को अलग से कुछ अतिरिक्त जो है फीड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय की जो आप हरी सरसों आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है सूखे चारे या फिर बाटे में नहीं मिलती हैं। आप अगर अपने पशु को 7 से 10 दिन आप खिला कर देखिए, आपका पशु का दूध भी बढ़ेगा, आपके पशु की जो है पॉजिटिव एनर्जी भी इनक्रीज़ होगी। और जो पशु, यदि कोई आपका पशु ऐसा है कि जो पशु आपका ब्याने वाला है, जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारी ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट है, इसको क्या है कि हम करीब करीब 5 किलो सरसों हम प्रतिदिन जो है इसको खिलाते हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो डिलीवरी का जो टाइम होगा उस समय हमें इस तरह की कोई दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यदि आपके पास पकी हुई सरसों जिसमें फली लगी होती है तो वो और भी बेहतरीन है, उसके फ़ायदे अलग हैं। लेकिन ये जो मैं आपको फ़ायदे गिना रहा हूँ ये फ़ायदे केवल हरी सरसों जो ताज़ी सरसों होती है उसके मैं आपको फ़ायदे गिना रहा हूँ। आप जो है सूखे चारे के साथ में इसको दे सकते हैं, यदि आपका पशु डायरेक्ट इसको खा ले तो आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। और किसी भी तरह की जो है समस्या अगर आपके पशु को पेट की रहती है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, गुणकारी है। आपको पता है कि जो सरसों है आदमी भी उसका जो है सेवन करते हैं साग के माध्यम से, तो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही इन सब चीज़ों को बनाया गया है। और यदि आप अपने पशु को इस सरसों को खिलाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके पशु के रिज़ल्ट और जो सेहत है वो अच्छी बनेगी। और जो आप ये जो आप देख सकते हैं ये जो रुआ आप देख रहे हैं हमारे जो गाय के ऊपर, ये जो रुआ है, अगर आप नियमित रूप से जो है सरसों खिलाते हैं सर्दी में तो ये रुआ जो है आपको दिखाई नहीं देगा, पशु में हीट बनी रहेगी और उसे जो है सर्दी भी नहीं लगेगी। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप जो है अपने पशु को इसको खिलाकर एक अच्छा दुग्ध उत्पादन और जो है पशु का जो है स्वास्थ्य लाभ जो है आप ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको जो है ये ध्यान रहे कि आपकी जो देने वाली जो सरसों है वो सरसों देसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये
सरसों है ये आप जो है ये सारी सरसों जो है देसी है। आप जो हाइब्रिड अगर सरसों देंगे तो उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं मिलेंगे और पशु उसको खाता भी नहीं है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने पशु को सरसों खिलाते हैं तो वो देसी ही होनी चाहिए, इसी के जो है स्वास्थ्य लाभ हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।